हाई जो खरवा पतरवा है ना, ये सरिया है, खर पतर नहीं है। आ यहाँ के जो नेता लोग है ना, वो बोलता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत बिरला के हो, बिरला के सर हटे, नहीं करा सकती हैं और इस खंबे को ठीक नहीं करा सकती। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आज हम सिवान जिले के चौकी हसन के मुर्गिया टोला में पहुंचे हुए हैं और हम आपको ऐसा स्कूल से परिचित कराएंगे जो एकदम डिजिटल है, अत्याधुनिक जमाने का डिजिटल स्कूल से आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसमें डिजिटल की तरह पढ़ाई होती है और इसमें डिजिटल शिक्षक हैं और डिजिटल बच्चे हैं। हम कैमरा मैन से बोलेंगे जाइए, आइए थोड़ा दिखाइए बिल्डिंग, जो एकदम 5 स्टार होटल की तरह इस बिल्डिंग को दिखाइए, जो ये 5 स्टार होटल की तरह जेपी सीमेंट से भरा हुआ और एकदम मार्बल टाइल्स लगा हुआ ये स्कूल है। और स्कूल को मैं बता दूँ, है देख लीजिए कितना अच्छा इसमें सीमेंट लगा है। आ हाई जो खरवा पतरवा है ना, ये सरिया है, खर पतर नहीं है। आ यहाँ के जो नेता लोग हैं ना, वो बोलता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत बिरला के हो, बिरला के सर हटे, हाई देख ली। आई जो बच्चे आप देख रहे हैं, बता दूँ कि वही बच्चे हैं जो मजदूर, गरीब, दलित, माँ दलित लोगों के घर से आते हैं और इनकी जीवन एक एक पल के लिए खतरे में होती है। तब खतरे में हो जाती है जब ये बादल ऊपर देखते हैं और आसमान भगवान को भी गुहार लगाते हैं, हे प्रभु आज बादल को हटा दीजिए क्योंकि हमारे शिक्षा की ज़रूरत है, हम नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ से हम कमा खा के अपना 2 वक्त की रोजी रोटी कमाएँ। ये बच्चे ये भी सोचते हैं और उस भगवान से गुहार करते हैं कि आज पानी ना भेजिए, अगर आप पानी भेजिएगा तो हमारा आज का स्कूल जो होगा डिस्टर्ब होगा। अब आप देख सकते हैं ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, आपको बता दें कि यहाँ की सबसे ज़्यादा अगर पढ़ने वाली कोई है तो वो लड़कियों की संख्या है। और मैं बता दूं कि माननीय सांसद कविता सिंह जी वो भी महिला हैं और इस महिलाओं का दुख कौन सोच समझेगा जब आप महिला होकर इस लड़कियों को, इस बच्चियों को और इनके परिजनों का दुख आप नहीं समझते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा आए। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ने में अपना लगन तो लगा रहे हैं लेकिन ये दिन रात इस बात को सोचने पड़ जाते हैं कि काश आज आंधी और धूप ना आए। अगर आंधी धूप आएगी तो ये जो छत है हमारा, ये सिर्फ हमारे सर पर ही आएगा। और पानी जो है, पानी जब बरसात आती है तो ये बच्चे के मन में यही होता होगा कि काश भगवान ये रुक जाते, हम घर चले जाते, तब बारिश आता तो हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता। और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी रूम का अब इसमें ये भी पता नहीं चलता है कि कौन सा क्लास किधर है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, तुमको नहीं लगता है कि हमारे छत, हमारे सर के ऊपर एक छत हो? इस पलानी में तुम पढ़ती हो तो तुमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे ऊपर भी छत हो ताकि हम धूप में, बरसात में बच सके? जी सर। बचना चाहती हो तुम? जी सर। क्या कहोगी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहेंगी कि ये स्ट्रक्चर, इस पलानी से हमें मुक्ति दिया जाए? जी सर। ये बच्ची हैं, छोटे क्लास में पढ़ती हैं, समझ थोड़ा कम है लेकिन ये तो बात जरूर समझती होंगी कि अगर हमारे ऊपर छत होगा तो शायद हम बारिश से बच जाएंगे, अगर हमारे ऊपर छत होगा तो हम उस तूफान से बच जाएंगे, अगर हमारे ऊपर छत होगा तो हमारी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे उपस्थित होगी जिससे हम आसानी से अपना शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ पे तमाम हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के जो माननीय विधायक बच्चा पांडे जी हैं, बच्चा पांडे जी, आपको शर्म नहीं आता है ऐसे स्ट्रक्चर को देख करके, ऐसे प्लानी को देख करके कि बच्चे का कल पता नहीं क्या हो जाएगा? ये हमारे बच्चे भविष्य हैं और इसी भविष्य को अगर आप अंधकार में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप ही की तरह करप्शन में जाएंगी और ये आप ही की तरह ये भी उसी नियत पे चलेगी जिस प्रकार से आप इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं फिलहाल आगे भी दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि एक और बात मैं दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, ये बेंच है, ये बेंच कितना खूबसूरत बेंच है। अभी देख लीजिए, ये चट्टाई होता है, ये अत्याधुनिक जमाने में, और इसमें बोर्ड भी एक बहुत बेहतरीन आपको दिख रहा होगा, ये टटिया और ये पलानी, इसमें बोर्ड है डिजिटल जिसमें कैमरा के तरह से और कंप्यूटर द्वारा पढ़ाई होता होगा। आप हमारे कैमरामैन के देख सकते हैं, यही वो पलानी है जो पता नहीं कल इस बच्चे के भविष्य कब डुबो देगी और इस आंधी में दबकर क्या जाने इस बच्चे को क्या होगा। फिलहाल मैं और भी दिख सर, यहाँ पे गुरुजी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर
ऐसी बदहाल स्थिति यहाँ पे पड़ी हुई है। आप लोगों ने कभी ये शिकायत जिला में नहीं किया या यहाँ के संसद से नहीं किया या यहाँ के माननीय विधायक से नहीं किया? नहीं सर, संसद से नहीं किया हूँ, अपना विभाग में जिला में किया हूँ। मेरे पास रिसीविंग है, एई के पास दिया हूँ आवेदन, बीओ के पास दिया हूँ आवेदन, मेरे पास रिसीविंग है, सांसद के पास नहीं किया हूँ। विधायक जी के पास? हाँ, विधायक जी के पास दो दो बार। आपने शिक्षा विभाग में लिखित? शिक्षा विभाग में लिखित दिए हैं, मेरे पास रिसीविंग है, सामने है रिसीविंग है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? 2017 में हुआ जी, 2017 में हुआ। मैं तो 2021 में आया हूँ, 16 अगस्त 2021 के आया हूँ, 21 से मैं जानता हूँ। जब 21 में आए थे तो यहाँ 5 बच्चे थे, आज हमारे मेहनत से जो भी हो। कितने बच्चे हैं? एक सौ सैंतालीस बच्चे हैं। और शिक्षक कितने हैं? अकेला थे लेकिन एक आदमी और आए हुए हैं। और आए हैं, 2-4 दिन हुआ। हाँ, 4 दिन। अब आप देख सकते हैं कि ये वही विद्यालय जहाँ 147 बच्चे बच्चियाँ मिलकर पढ़ती है और एक टीचर टीचिंग कराते हैं। और इनका ये कहना है कि अभी 2-4 दिन हुआ शिक्षा विभाग ने कहा खुला, उन्होंने ये सोचा कि 147 पे 2 टीचर को रखना चाहिए, उन्होंने 2 टीचर को यहाँ पे भेजा। फिलहाल वो अभी एक सप्ताह से यहाँ पे अपना कार्य संभाल रहे हैं। अब मैं इस स्कूल, हाँ बोलिए। समस्या है कि देखिए, मैं भी यहाँ डिप्टेशन में हूँ, मेरा कोई अस्थाई अस्थाई है। आप अस्थाई हैं? जी अस्थाई। अच्छा, मैं इसके लिए 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, अभी 4 तारीख को आवेदन दिया हूँ बीओ साहब के, इसमें लिखा हूँ कि आप इसको 1 हफ्ता में आप इस हमारे काम को आप जो भी है हमको अस्थाई कीजिए, नहीं तो मेरा डिप्टेशन तोड़िए, और नहीं तो अगले हफ्ता हम डीओ साहब के पास जिला में हम जाएंगे। लेकिन अभी तक उस पर हमारे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हे भगवान, आप देख सकते हैं यहाँ शिक्षा भी माने ये बच्चे इस उम्मीद में तो आते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ये शिक्षा का भी एक बात बता दें, शिक्षक है इनका भी एक दुखरा कहानी अलग है। ये अभी तक यहाँ पे अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। अब आप देख सकते हैं ये माननीय सांसद कविता सिंह जी, कम से कम यहाँ पे अस्थाई शिक्षक का तो प्रबंध करा देती, कम से कम ये स्ट्रक्चरवा को आप ठीक नहीं करा सकती हैं, इस पलनिया को ठीक नहीं करा सकती हैं और इस खम्भे को ठीक नहीं करा सकती हैं, तो कम से कम ये यहाँ पे 147 बच्चे इसमें पढ़ते हैं और यहाँ पे मात्र 2 शिक्षक हैं, वो भी अस्थाई हैं, अस्थाई नहीं हैं। अब फिलहाल इस स्कूल का मैं आप लोगों को टॉयलेट भी दिखाना चाहूँगा। चलिए जी, कैमरामैन जी से बोलूँगा कि ये थोड़ा दिखाया जाए, मार्बल और संगमरमर का ये जो दीवार है इस पे जो टाइल्स चढ़ा हुआ है, इस खरपतवार को दिखाइए। और ये नेता कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। अब आपको हम एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, अभी जो हमारे सामने दिख रहा है ये पलानी, ये पलानी जानते हैं इस 5-स्टार होटल की तरह इसको सजा करके इसमें टॉयलेट रखा गया है। अब देख लीजिए ये डिजिटल डोर है, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो अपने से हट जाएगा, ऐसे छोड़िएगा तो अपने से स्लाइडिंग हो जाएगा। यह स्लाइडिंग डोर का आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकार से ये भी स्लाइडिंग है। अब देखिए कैसे क्या होता है, हाँ देखिए कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा दिखाया जाए इस टॉयलेट में। अब देखिए कैसे टॉयलेट लोग यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ करती है। अब आपको बता दें कि ये जंगल भी है, अब देख लीजिए इधर से कहीं जो सांप आया अब बच्चे बच्चिया का डंस आता दूसरे टॉयलेट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो माननीय महोदय सांसद जी हैं कविता सिंह जी, यहाँ के माननीय विधायक जो बच्चा पांडे जी हैं, क्या थोड़ा सा भी आप लोग को लज्जा नहीं आती है ऐसे बच्चे बच्चियों को इस जंगल में टॉयलेट कराते हुए, ऐसे बच्चे बच्चियों को ऐसे स्ट्रक्चर में पढ़ाते हुए, ऐसे बच्चियों को जो दिन रात इस बात को सोच में पड़ जाती है कि कल आंधी आएगा तो हो सकता है कि ये पलानी उसके सर पर गिर जाएगा और उसका दुर्घटना हो जाएगा, ये सरासर नाइंसाफी है। लोग में थोड़ा सा भी शर्म है तो कम से कम इस प्राथमिक विद्यालय को नज़र में रख करके इसकी स्ट्रक्चर को बनवाया जाए। और मैं बता दूं, ये राजेंद्र बाबू की धरती, मौलाना मजरूल हक की धरती को आप शर्मसार ना करें। आपको जनता वोट विकास के लिए दिया है, आप विनाश के रास्ते पर मत जाइए। नन्हे बच्चे इस उम्मीद में आते हैं कि हम भी पढ़ेंगे और उस कलेक्टर और उस IAS ऑफिसर बनकर हम अपने देश का, हम अपने जिले का, हम अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़।